नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा, मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स के लिए बड़ी सिरदर्दी बन गई है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स अपनी अपनी टीमों के लिए बड़े सिरदर्द बन गए हैं और एक रूल जो है क्वारंटीन का यूएई में आने का, उसने बहुत सारी चीजें एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक कर दी हैं, दिक्कतें पैदा करती हैं टीमों के लिए। दरअसल था क्या कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स की खुद की सीरीज चल रही है जो कि 16 सितंबर को खत्म होगी। अब 16 सितंबर के बाद उम्मीद ये थी, क्योंकि वो पहले से वहां बायोसिक्योर माहौल में खेल रहे हैं, तो 17 तारीख को यूएई पहुंच जाएंगे। 19 से मैचेस चालू हैं तो वो टीम के साथ सीधा जुड़ जाएंगे। वहां की टीम के मैनेजमेंट्स ने आईपीएल से ये गुजारिश की थी कि आप लोग कम से कम ये जो 6 दिनों का कंपल्सरी क्वारंटीन पीरियड का एक रूल है उसको इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के लिए आप उसमें ढील दे दें, उसको कम कर दें। लेकिन रोहित, ऐसा नहीं हो पा रहा है। अभी अपडेट आई है, ताज़ा अपडेट आई है कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने मना कर दिया है। उनके मुताबिक आपको 6 दिनों के लिए क्वारंटीन होना ही पड़ेगा। आप भले ही बायोसिक्योर माहौल से आ रहे हो, आप कहीं से भी आ रहे हो, आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए आप आएंगे तो आपको 6 दिनों का क्वारंटीन पीरियड सर्व करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, कौन कौन से मैचेस में दिक्कत होगी, कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो जुड़े हुए हैं रोहित, और शुरुआत के मैचेस में कितनी दिक्कत होगी और ये कब से खेल पाएंगे? शुरुआत के 2-3 मैचेस आप मानकर चलिए, खासतौर पर वो फ्रेंचाइजीज जो बिल्कुल इनिशियल मैचेस खेल रही है, जैसे दिल्ली अपना पहला मैच शायद दूसरे दिन खेल रही है, चेन्नई और मुंबई का हमें पता है वो ओपनर खेल रही है। लेकिन एक इसमें दिलचस्प बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जो जिनके मैचेस टूवर्ड्स द एंड होंगे, मतलब जो अपना पहला मैच शायद 4th दिन या 5वें दिन खेलेंगे, जैसे फ्रेंचाइजीज के लिए अच्छा है, केकेआर की टीम उसमें एक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा इस लिहाज से है कि शायद तब तक वो जो है अपना क्वारंटीन पीरियड सर्व कर जाए खिलाड़ी। हालांकि अगर आप 16 को सीरीज खत्म होती है और अगर आप 17 को भी निकलते हैं वहां से, क्योंकि खबर एक और मैं आपको दे दूं इसी में कि मैनचेस्टर से फ्लाइट आएगी दुबई के लिए और 7 फ्रेंचाइजीज ने एक चार्टर्ड फ्लाइट बुक कराई है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। एक फ्रेंचाइजी जिसने बैकआउट कर दिया है कि हम अपने प्लेयर्स को अपने लिहाज से बुलाएंगे, ये मुंबई इंडियंस है जिनके पास पर्स जो है जिनका हमेशा से, अंबानी साहब जिनको देखते हैं तो अपने आप में उनका अपना कॉल होगा, उनके पास शायद अपनी चार्टर्ड फ्लाइट भी होगी, बिल्कुल शायद, क्यों बोल रहा हूँ मैं, होगी ही निश्चित तौर पर। तो ये एक हमारे पास रिपोर्ट है, 1 करोड़ रुपए की पूरी फ्लाइट हुई है चार्टर्ड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स ही आएंगे और ये फ्लाइट जो है वो मैनचेस्टर से सीधे दुबई आएगी। तो अगर हम 17 तारीख को मानकर चले और फिर इस पर 6 दिन और जोड़ दें तो आप लगभग 23 तारीख तक मान के चलिए, यानी कम से कम हर फ्रेंचाइजी को अपूर्व एक एक मैच जो है, ऑलमोस्ट एक एक मैच, कुछ जो शुरुआत में खेलेंगे उनको 2 मैचेस के, तो हाँ 2 से 3 मैचेस हो जाएंगे शुरुआत के 5 से 6 दिन में। तो ये सारी की सारी चीजें इंपैक्ट डालने वाली है। हालांकि मुझे लगता है कि जो चेन्नई की टीम है उसमें मुझे लगता है कि ये जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखें तो उनके पास इतने प्लेयर्स नहीं है जो ओवरसीज वो काफी ज्यादा इंडियन स्ट्रेंथ पे वर्क करना जानते हैं, और उनके पास पहले से ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो पहले से ही उनके साथ मौजूद है, जैसे फफ डुप्लेसी हो गए फॉरन प्लेयर हैं, शेन वॉटसन हो गए फॉरन प्लेयर हैं, वो पहले से ही टीम के साथ मौजूद हैं सीएसके में, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के आप ये मान लीजिए 17 प्लेयर हैं जिनको आना है, इंग्लैंड के 13 प्लेयर हैं, कुल मिलाकर ये 30 प्लेयर्स आने हैं जो जिन फ्रेंचाइजीज के साथ वो लोग मौजूद हैं, राजस्थान रॉयल्स में बहुत सारे हैं, उन टीमों को शुरुआत में दिक्कत होगी। अब देखना होगा वो इस दिक्कत से कैसे उबरती हैं और शुरुआत के मैचेस में कैसे फिर बैलेंस बनाती हैं टीम का, क्योंकि जो पहले से ही जो टीम में मौजूद है, जो खिलाड़ी मौजूद है, आपको उन्हीं से शुरुआत के मैचेस में काम चलाना पड़ेगा जब तक ये खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, क्वारंटीन पीरियड ओवर नहीं हो जाता है इनका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।